तो ये बहुत ही अच्छी और स्पिरिचुअल जगह है और बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट है और यहाँ का माहौल और वातावरण भी बहुत ही शुद्ध, हवा भी अच्छी है और बहुत अच्छा माहौल है। बस और ये वही व्यू है जो हम लोग अपनी फेरी से भी देख रहे थे। मुख्य पगोड़ा दर्शन दीर्घा द्वार, उत्तर पगोड़ा महाबोधि वृक्ष, रंग भूमि अशोक स्तंभ, दक्षिण पगोड़ा मशरूम्स। और भाई लोग, पगोड़ा जो है वो सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट समझ के, मतलब हम लोग को उसको सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट नहीं समझना चाहिए, ये एक आध्यात्मिक जगह है और ये एक बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल जगह है जहाँ पे आके हम लोग अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हटा सकते हैं और जान सकते हैं कि आज से पहले लोग क्या ट्रेडिशन फॉलो कर रहे थे और आज से पहले लोग अपनी लाइफ किस तरह जी रहे थे। तो यहाँ पे आके आपको चीज़ जानने को मिलेगी और यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। भाई लोग, ये जो हॉल आपको अंदर दिख रहा है, यहाँ पे विपाशना मेडिटेशन होता है और मेनली आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। प्रवेश केवल विपाशना साधकों के लिए। आप लोग देख भी सकते हैं हॉल का अंदर, आप लोग देख भी सकते हो अंदर। भाई लोग, यहाँ पर इस तरह से विपाशना ध्यान होता है। और भाई लोग, अब हम लोग जा रहे हैं धम्मचक्र को देखने। तो ये धम्मचक्र पवतन जो है ये 12 महीने घूमता रहता है, हमेशा घूमता रहता है, हर मौसम में घूमता रहता है। तो भाई लोग, आप लोग यहाँ पे आ सकते हो और जो भी लोग मेडिटेशन के चाहने वाले हैं और जिनको मेडिटेशन करना है, खासकर विपाशना मेडिटेशन, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा विपाशना सेंटर है जो कि हमारे मुंबई में है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और इन्होंने बताया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पे 10 दिन का कोर्स है जो कि कंपलसरी, आपको 10 दिन का कोर्स है वो करना ही है। एंड देन उसके बाद फिर आप 10 दिन का कोर्स करने के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर भी विपाशना के मेडिटेशन सेंटर चलते हैं, विपाशना के कोर्सेज चलते हैं, वहाँ पे जाके आप बैठ सकते हैं और 1 घंटा 2 घंटा आपकी मर्ज़ी है, आप जितना चाहें उतना मेडिटेशन वहाँ जाके कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको 10 दिन का कोर्स करना है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं उसके लिए। सो अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तो आप बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं और कर सकते हैं। ये लोग, अब मैं आपको दिखाता हूँ बोधि ट्री, जिसको हम कहते हैं ट्री ऑफ अवेकनिंग, ये भी पगोड़ा में है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है।
ये वाला नहीं, इसके अंदर वाला। भाई लोग ये पगोड़ा का जो टेंपल है बहुत बड़ा है, और यहाँ पे आपको अगर पूरा घूमना है तो आपको अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा 9-10 बजे, तब जाके आप इसको पूरा घूम पाओगे। एकदम ईडन गार्डन के स्टेडियम जैसा है, बस यहाँ पे खेलना वेलना कुछ भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर एक पेंटिंग गैलरी भी है, तो यहाँ पर अगर आओ तो उसको मिस मत करना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पेंटिंग गैलरी है, इसमें बताया गया है बुद्धा जी के जन्म से लेके, और पहले वो सिद्धार्थ थे, फिर वो बुद्धा जी कैसे बने, शादी के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे उन्होंने दुख देखे, जिससे उनको लगा कि उनको त्याग देना चाहिए, उनको त्याग करना चाहिए और संन्यास लेना चाहिए। सेल्फ मॉडिफिकेशन। तो भाई लोग हमारे विपासना सेंटर का जो ब्लॉग है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पे, मेरे मन को शांति मिली है, मेरे दिमाग को शांति मिली है यहाँ पे आके। और अब अगला जो आने वाला वीक है उसमें जम के काम कर सकता हूँ और अपना 100% दे सकता हूँ। सो बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी आना है यहाँ पे, और हाँ फुल पैंट पहन कर आना है यहाँ पे, गलती मत करना हाफ पैंट पहनने की मेरी तरह। और राहुल लुंगी में यहाँ पे पूरा एकदम, यहाँ पे लुंगी में आपको करना पड़ेगा पूरा एक्सप्लोर, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखना और अपना प्यार बनाए रखना। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, टाटा, बाय बाय।